नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। सारणी, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की भूमिगत खदानों को कमर्शियल किए जाने के विरोध में पांचों श्रमिक संगठनों की बैठक का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मंगलवार को बीएमएस यूनियन के जुमडो भवन में पांचों श्रमिक संगठन की बैठक हुई। इस बैठक के तहत 3 दिवसीय आंदोलन को सफल बनाने की रणनीति तैयार की गई। बताया जाता है कि 2 से 4 जुलाई तक यह राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा। इस आंदोलन में बीएमएस, इंटक, एटक, एचएमएस के साथ साथ इनमोसा, सिस्टा और एससीएसटी काउंसिल का समर्थन भी मिल रहा है, जिसे देखते हुए सभी कोयले की खदानों पर गेट मीटिंग का दौर भी शुरू कर दिया है। श्रमिक संगठन के नेताओं ने बताया है कि 18 जून को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 50 से 41 खदानों को कमर्शियल घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा श्रमिक संगठन 27 जून से गेट मीटिंग भी क्षेत्र की भूमिगत खदानों पर कर रही है। श्रमिक संगठन के नेता 2 से 4 जुलाई तक सभी खदानों का चक्का जाम कर इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल को सफल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भूमिगत खदानों को कमर्शियल माइनिंग पर रोक लगाने, कोयला उद्योग में निजीकरण बंद करने, सीएमपीडीआई के विलय पर रोक लगाने, ठेका श्रमिकों को एचपीसी का लाभ देने तथा गंभीर रोगों से ग्रसित कामगार के आश्रितों को नौकरी पर लगी रोक हटाने जैसी मांगों को लेकर सभी पांचों श्रमिक संगठनों द्वारा 3 दिवसीय हड़ताल की जा रही है। कोयला श्रमिक नेता के स्तर पर लगभग 50 वर्ष से आप संघर्ष कर रहे हैं। इन 50 वर्षों में ऐसी स्थिति कब उत्पन्न हुई कि भूमिगत खदानों को बचाने के लिए जी जान झोंकना पड़ रहा है? ऐसा है, ये समय ऐसा आ गया है, ऐसा समय पहले कभी आया नहीं। ये समय जो आया है, अभी जो नियम कानून नए आ रहे हैं, ये हमारे देश को गुलामी की ओर ले जाने वाले नियम कानून हैं। अगर इसमें सरकार सफल होती है तो कल हिंदुस्तान में श्रमिकों के ऊपर गुलामी लग जाएगी, ये पक्का विश्वास है। और इसीलिए कोयला श्रमिकों की हड़ताल को पूरे विश्व के श्रमिक संगठन और हमारे भारतवर्ष के श्रमिक, सभी श्रमिक संगठन पूरी समर्थन लगी हुई है। यहाँ तक कोल इंडिया के ऑफिसर एसोसिएशन श्री सिंह साहब ने भी इस हड़ताल का समर्थन किया है। वो बात दूसरी है कि वो अधिकारी वर्ग में आते हैं, बात दूसरी है, पर इस हड़ताल को समर्थन। भैया, कोल इंडिया में 2,73,000 श्रमिक हैं और इन श्रमिकों के सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। चूँकि प्रदेश में और केंद्र में दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसके बाद कोल उद्योग पर संकट आना, ये कहाँ तक न्याय संगत है? कोल उद्योग पे जो संकट आया हुआ है, कोल उद्योग में 5 ट्रेड यूनियन कई वर्षों से सशक्त अपना नेतृत्व कर रही हैं और ये जैसे ही ये संकट आया, सारी चीज़ें दलगत राजनीति को छोड़ के पांचों श्रम संगठन इस उद्योग को बचाने के लिए आज एक हुए हैं और जो आपको दिख रहा है, और कटिबद्ध हैं वो कि प्रधानमंत्री भारत सरकार और कोयला मंत्री भारत सरकार को अपने लिए हुए निर्णयों को। लंबे समय से भूमिगत खदानों को कमर्शियल किए जाने की रणनीति चल रही थी, यह कहा जाए कि सन 1996 से इसमें अमल करना शुरू कर दिया गया था जब कांग्रेस की सरकार थी, देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे और इस बात की जानकारी लगभग सभी को है। ऐसी स्थिति में इंटक यूनियन की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी उस समय? देखिए, ऐसा है, देवगौड़ा जी जब प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे शुरुआत ये ज़रूर हुई है, मगर आपको ये बात याद होना चाहिए कि चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, कोल इंडिया में पांचों श्रमिक संगठनों के द्वारा कमर्शियल माइंस ना होने देने को लेकर आंदोलन जारी रहा। उसके बाद भी केंद्र सरकार ने श्रमिक संगठनों के विरोध को दरकिनार करके 51 माइंसों को कमर्शियल घोषित कर दिया। ऐसी स्थिति में श्रमिक संगठन क्या निर्णय लेगी? सरकार की ये मजबूरी है, सरकार बनने से पहले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जिन उद्योगपतियों से पैसे लिए थे, अपने
चुनाव प्रचार प्रसार के लिए। अब उनको वापस करने का समय आ गया है। उस समय इन लोगों के साथ में समझौता हुआ था, अंदरूनी समझौता हुआ था कि हम आपको कोल ब्लॉक भी देंगे। ऐसे कोल ब्लॉक्स को ये देना चाह रहे हैं। खबर समय जगत के लिए सारणी से दीपेश दुबे की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।